पॉइंट में बोल रहे हैं। हाँ एक मिनट भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हड़ताल को लेकर के आज मैडम के सानिध्य में जो बैठे हुए आज श्रीमान विधायक बोल रहे हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सरपंच साहब, जिला प्रमुख साहब एवं गणमान्य नागरिक और हमारे सर्वसम्मति के अध्यक्ष साहब, आज बोली में दिनांक 26/10/2000 को प्रशासक सबसे दोबारा आप दोबारा बोलिए, तारीख बारीख मत बोला, आप तो के लिए बस नॉर्मल बात है ना, कचरा उतरा में फैलाएंगे। हमारे प्रशासक और एसडीएम साहब और इनके सामने सभी मीटिंग हुई, हमारे विधायक साहब मौजूद है, पूरे गांव गए, मोटी अमन सेवा समिति है, उनके साथ ने निर्णय किया है कि आज 800 रुपये महीने के हिसाब से तो सप्लीमेंट्री हीरामन सेवा समिति ग्राम पंचायत को देंगी, सफाई व्यवस्था ग्राम पंचायत की रहेगी और जो चार ये जाल खींच रखा उसके अंदर अंदर सब्जी रहेगी और आज हम हड़ताल समाप्ति की ओर घोषणा कर रहे हैं। इनके यहाँ ठेले लगाकर कोई इशू था और यहाँ कंजेस्टेड हो रहा था खेणी तिराया ग्राम पंचायत के सामने वाला, और ज़मीन पर हीरामन बाबा का और ग्राम पंचायत का कुछ इशूज थे, आज वो क्लियर हो गए हैं और इनको अस्थायी रूप से यहीं पर स्थापित कर दिया गया है। जब तक स्थायी मंडी नहीं हो जाती जब तक ये लोग यहीं रहेंगे, और इनकी जो शर्तें तय की गई है वो सारी शर्तें इन्होंने मान ली है, और उसी प्रकार दोनों हीरामन कमेटी फल सब्जी विक्रेता और ग्राम पंचायत सभी के बीच में समझौता हो गया है और आज से इन्होंने हड़ताल तोड़ दी है। आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से इनकी मंडी के लिए जमीन तलाश रहे हैं और उसको कन्वर्ट कराकर इनके लिए मंडी खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, लंबे समय से चली आ रही समस्या अस्थाई समय के लिए तो अभी कुछ समय के लिए तो अस्थाई समाधान मिल गया है और हीरामन चौक में ही ये मंडी लगाएंगे। अभी जब तक स्थाई समस्या का समाधान नहीं होता तब तक अस्थाई बने रहेंगे और फल सब्जी बेच पाएंगे। हीरामन चौक परिसर में तारबंदी के अंदर ये अपनी फल सब्जी बेचेंगे। विधायक साहिबान सहित एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय, सरपंच महोदय सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों के समक्ष और गांव वालों के बीच में ये समझौता तय हुआ है। नमस्कार।